दोस्तों आप लोग को बता दो कि पूरा पंजाब में जो हमारे गाँव में जहाँ काम कर रही है उनके तरफ से काफी सारे लोग दोस्तों देख सकते हैं आप लोग हमें सरन जी पे माला पहनाया जा रहा है, बहुत बड़ा माला है। आप लोग को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। महिला मोर्चा जिला समिति से आग्रह है और जिला परिषद के सभी सदस्यगण, आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित जिला परिषद के सभी सदस्यगण, आपके अनुरोध है कि आप लोग आपका मूल्यांकन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। उदेश्वर जी तो चंद शब्दों में उनका आशीर्वचन भी हम सबों को मिले। तो दोस्तों ही मामा प्रसाद जी मंच में आने वाली है, दिखाते हैं आपको जो बड़का गाँव के विधायक हैं। भारी तादाद में आप मेरी माताएं बहने मेरे भाई बंधु और मुख्य रूप से उपस्थित हमारे झारखंड के तेज सरदार युवा जुझारू हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, उपस्थित हमारे माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, उपस्थित यहाँ पे लाते हर के यहाँ स्थानीय हमारे विधायक साथी यहाँ उपस्थित है रामचंद्र जी और तमाम यहाँ पे जिला अध्यक्ष सभी पार्टी और जेडी कांग्रेस और हमारे के सभी यहाँ पे उपस्थित अधिकारी पदाधिकारी हरियाणी जोहर और निरीक्षण हो, जिला का निरीक्षण हो या अस्पताल का निरीक्षण हो, हर छोटे छोटे चीज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी यहाँ पे उपस्थित सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर हमारे गठबंधन के सभी जनप्रतिनिधि हर जगह सक्रिय रूप से तैनात है ताकि सरकार का एक एक योजना एक एक आदमी तक पहुंचे, एक एक लाभ तक पहुंचे और इसलिए गरीबों के लिए आम जनों के लिए हमारी सरकार जो योजना बना रही है वो किसी पूंजीपतियों के लिए नहीं बना रही है। एक एक व्यक्ति कैसे लाभों को जो अंतिम मैदान पर खड़े हैं, जो वंचित है वो उनको आगे कैसे किया जा सके, चाहे वो बच्चियों का बात हो, चाहे महिलाओं का बात हो, चाहे किसानों का बात हो, चाहे गरीब। ये तो आप लोग को बता दो कि सरकार जब से बनी है तब से काम कर रही है, एक एक दिन काम कर रही है सारे लोग और इस बात को आप सबको जब समझना होगा क्योंकि आपको भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग आपको बचाने आते हैं, समझाने आते हैं, घर घर घुमाने आते हैं उन लोगों की पहचान आपको करने की जरूरत है। उन लोगों की पहचान जिस दिन हो जाएगी उस दिन हमारा झारखंड और एक हरियाणी राज्य सफल होगा और ये सफल हर एक व्यक्ति को बनाना है। सिर्फ यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है, ये एक एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि हमारा झारखंड आगे कैसे बढ़े। तो गाइस अभी हम आगे होटल खाना खाने जा रहे हैं, हमारा खाना चलो खाने का मिलते हैं आप लोग इसके से तो बोले रहे बोले कंटिन्यू। जय लालू यादव, जय शिवू सोरेन, जय हेमंत सोरेन, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक मनिका श्री रामचंद्र सिंह जी को। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज देना चाहूंगा मंच पर उपस्थित झारखंड के युवा तेज सरदार लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, इस मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार के माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, हमारे साथ मंच पर उपस्थित है मनिका के विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी, सुश्री अम्बा प्रसाद, मंच पर उपस्थित सभी स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, थोड़ा सा आगे जाइए,
आरजेडी और कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण लातेहार जिले के विभिन्न स्थानों पर आए हुए हमारे सम्मानित सज्जनों, देवियों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं लातेहार की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बंधु, आज का दिन लातेहार जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज छठियानी त्योहार यात्रा के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हम सब लोग वहां गए थे और आज जिले के सभी पदाधिकारियों को बैठाकर एक एक विभाग के बारे में पूरी विस्तृत चर्चा हुई, एक एक चीज का मॉनिटरिंग आज हेमंत सोरेन जी स्वयं से कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की योजनाएं अभी शुरू हुई है उसमें कई योजनाएं काफी महत्वपूर्ण है।